राजनीति ऐसा सह है जहाँ नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है और कभी कभी पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाता है। ये अक्सर देखने को मिलता है कि जब आपकी बदनामी होती है, आप पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं, तो आप राजनीतिक रूप से कद बड़ा होने लगता है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब आपकी बहुत बड़ाई हो उसके बाद भी आप सत्ता से बहुत दूर हो जाते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति से इस देश को उथल पुथल मचाने वाली एक घटना घटी, जिसमें जातीय जनगणना की बात शुरू हुई। हालांकि जातीय जनगणना की बात हम करने नहीं जा रहे हैं, हम करने उस बात की जा रहे हैं जो 2020 के चुनाव परिणाम के बाद बिहार में घटनाएं घटी। हालांकि शुरुआत इसकी 2013 से ही हो गई थी। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार अलग हुए थे, तब बहुत सारी घटनाएँ बदली थी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया था कि वो अपने दम पर इस देश में अब सरकार बना सकती है। 2014 में उसने ये करके दिखाया। वहीं धीरे धीरे जब चुनाव शुरू हो गए तो राज्यों के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना पैठ जमाना शुरू कर दिया और बारी बिहार की आई। लेकिन यहाँ आकर के भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ी और यहीं नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हुआ कि उनके बिना बिहार में किसी की सरकार नहीं बन सकती है, और इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी पर डोमिनेट करना शुरू कर दिए। महागठबंधन को छोड़ करके 2017 में जब वो बाहर आए तो उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए के साथ अपना संबंध बनाया और सरकार बनाई। सरकार चलने लगी 2019 में। नीतीश कुमार ने अपने शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से झटका दे दिया, लेकिन 2020 के चुनाव में वो परिणाम नहीं ला सके जिसका भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिल गया और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लेकर के खड़ी हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री तो बनाया लेकिन पावर सीज कर लिया। अब नीतीश कुमार इस छटपटाहट में असहज होते हुए अपने लिए योजनाएं बनाने लगे। उन्होंने कई तरह की योजना बनाई जिसमें लौकुश समीकरण को साधने का प्रयास किया, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं था जितना लालू प्रसाद का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी को डराना। फिर मौका मिल गया और तेजस्वी यादव ने जैसे ही जातीय जनगणना के सवाल को बड़ा कर दिया, जो कि उनके पिता ने सबसे पहले मांग शुरू की थी, इस मांग को लेकर के वो लगातार मुखर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने इस मांग को बड़ा कर दिया और देशव्यापी आंदोलन की बात कह दी। बिहार से इस मांग को उठाते हुए जब उन्होंने इस पर पूरा जोर लगा दिया तो नीतीश कुमार को लगा कि ये मुद्दा सबसे बड़ा है, और इसी बीच में उनको ऑफर भी मिल गया कि अगर आपकी बात केंद्र नहीं सुनता है तो आप सर्वदलीय कमेटी को लेकर के विपक्ष को एकजुट कीजिए और चलिए। 2019 और 2020 नीतीश कुमार को याद आ गया था और उन्होंने तेजस्वी यादव की बात मान ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने का एक बड़ा हथियार उन्हें मिल गया था कि विपक्ष उनके साथ खड़ा हो गया था। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। अब इन सारी बातों को लेकर के जैसे ही वो पहुंचे तो हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से गेम को चेंज किया और नीतीश कुमार पर भारी पड़ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये पूरी बात करने के बाद मंद मंद मुस्काते हुए जब विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी के सामने जातीय जनगणना कराने पर जोर दे रहे थे तो चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन जब बारी आई नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की तो गेम पलट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सारी बातों के बीच में लालू प्रसाद का हाल चाल पूछ करके इस पूरे जो मीटिंग थी उस मीटिंग का रुख ही बदल दिया। इसके बाद नीतीश कुमार के चेहरे पर जो मंद मंद मुस्कुराहट थी वो रुक गई थी। अब इन सब बातों के बाद आपको बता दें कि बात यहीं नहीं रुकी। लालू प्रसाद जो कि अस्वस्थ भी हैं, वो घर के और पार्टी के झमेले को तो सुलझाने में लगे हुए हैं ही, लेकिन राजनीतिक रूप से वो भी एक बड़े खिलाड़ी हैं। उन्हें इस बात का एहसास था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनका हाल चाल पूछना यूं ही नहीं है, उसके पीछे बड़ा रणनीति है। जैसे ही ये सवाल लालू प्रसाद से पूछा गया जातीय जनगणना वाला, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ जाति के लिए नहीं है बल्कि आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर लोगों को पूरा पूरा स्थान मिले, मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, इसके लिए ज़रूरी है। आप समझिएगा इस बात की बारीकी को। जहां एक तरफ जातीय जनगणना की बात की जा रही है, वहीं लालू प्रसाद जातीय जनगणना पर फोकस न करते हुए जाति आधारित जनगणना पर से ध्यान हटा करके और आर्थिक और सामाजिक आधार को ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं और अंत में एक बात कहते हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए झटका देने वाला है। वो कहते हैं
कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है, वो हमारी बात मानेंगे। अब यही वो बात है जिसको लेकर के नीतीश कुमार जो योजना बना रहे थे, रणनीति बना रहे थे और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाए हुए थे, वो अचानक से हल्का पड़ने लगा है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो राजनीति में होती हैं, दबाव की राजनीति होती है, एक दूसरे को बैकफुट पर लाने की राजनीति होती है, और ये सिर्फ दुश्मन ही नहीं करते हैं बल्कि दोस्त भी करते हैं। एक तरफ जहाँ चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार की महागठबंधन में वापसी हो सकती है, वहीं लालू प्रसाद के इस बयान का मतलब अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अब सहमत का खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि बिहार की राजनीति में कोई बड़े परिवर्तन और भूचाल की आहट आने लगी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।